नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे गेंसल इंजीनियरिंग के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो आज के दिन इस स्टॉक में 5% का अपर सर्किट लगा। हालांकि दोस्तों, ये भी कंपनी ऐसा नहीं है कि आज के दिन अपर सर्किट लगा है। इस कंपनी में भी एक मतलब प्रॉपर ट्रेडिंग होने के बाद आप कह सकते हैं अपर सर्किट, लेकिन आज के दिन इस स्टॉक में जैसे ही मार्केट ओपन होता है वैसे ही सीधा का सीधा अपर सर्किट लग जाता है। हालांकि दोस्तों, इस स्टॉक में आने वाले समय में और भी हो सकता है कि अपर सर्किट देखने को मिल सकते हैं। इस स्टॉक का जो टारगेट प्राइस है लगभग मेरे पॉइंट से 1500 रुपए के आसपास जा सकता है। हालांकि बहुत सारे इन्वेस्टर इस कंपनी को वही जो कि मतलब एडजस्टेड प्राइस की बात करें 1300-1200 के ऊपर बाइंग करके फंसे भी है, तो उससे भी रिलेटेड मैं बात करूंगा। इसमें कुछ गुड न्यूज है दोस्तों, तो उससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। क्या भी इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। हम आगे गेंसल इंजीनियरिंग के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हो, पहले अगर मैं कंपनी की बात करूं तो आज के दिन इस स्टॉक में 5% का सर्किट लगते हुए दिखा है। तो हालांकि दोस्तों, जब किसी भी स्टॉक में सर्किट लगता है तो आप सभी लोगों को पता है कि उसके पीछे का रीजन कुछ ना कुछ होता ही है। हालांकि देखिए, कोई भी सर्किट वाले स्टॉक को मैं जो कि आपको रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, बाई करने या खरीदने बेचने की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन हाँ, कंपनी कैसी है दोस्तों, तो कंपनी खराब नहीं है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बताना चाहता है, कंपनी खराब नहीं। कंपनी की अगर मैं बिजनेस की बात करूँ, कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करूँ, तो कंपनी अपने दम पे जो कि आगे बढ़ रही है। हालांकि इस स्टॉक में कॉर्पोरेट एक्शन हुआ था, जिसके बाद आप कह सकते हैं मतलब अभी तक कंपनी ने मतलब जब से मार्केट में आई हुई है तब से देखा है तो 5000% के आसपास रिटर्न भी बना के दे दिया है। हालांकि तो देखिए, मार्केट है, मार्केट में सबसे पहले देखिए, हम बहुत ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, फिर भी अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो आज के दिन 5% का अपर सर्किट लगते हुए दिखा। यहाँ पर अगर गेंसल इंजीनियरिंग की बात करें तो 5% का अपर सर्किट लगते हुए दिखा। क्यों दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है, देखिए अभी क्या है कि सबसे पहले तो देखिए बहुत सारे रीजन्स, बहुत सारे क्यूज आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो पहला रीजन्स रहेगा दोस्तों, आपसे बताना चाहता है कि अभी कंपनियों की अगर मैं बात करूँ तो इनके जो हाईएस्ट रेवेन्यू की बात करें तो वो आते हुए दिख रहा है। मतलब देखिए, पहले तो इन्होंने मतलब क्या है कि अभी जस्ट अपडेट है, अभी तो आपने क्या है कि पैसा तो कमा लिया, ऐसा नहीं कि अगले साल आपने 10 रुपये कमाया था, इस बार 15 कमाया था, ये तो हाईएस्ट हुआ, लेकिन बचाया कितना, ये चीज़ सबसे बड़ा आने वाले समय में जो कि मतलब इस कंपनी के लिए एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि मतलब अभी जो अपर सर्किट देखने को मिल रहा है लोअर सर्किट में भी तब्दील हो सकता है, ऐसा जो कि आने वाला फ्यूचर ही बताएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, जो कि 5% स्टॉक में अपर सर्किट देखने को मिला, परमिसेबल अगर मैं बात करूँ, लिमिटेड डे आफ्टर द कंपनी सेट द रिकॉर्डेड हाईएस्ट इवर रेवेन्यू लगभग 960 करोड़ इन द फाइनेंशियल 24 में देखने को मिलेगा। स्टॉक इज द अपर सर्किट देखने को मिला। हालांकि इसकी रेवेन्यू की बात करें या प्राइस की बात करें तो दोनों का प्राइस मतलब और रेवेन्यू भी देखा जाए तो उसी के आसपास चल रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं मॉर्निंग की बात करूँ, लगभग BSE के मतलब 30 शेयर जो कि देखने को मिलते हैं दोस्तों, उसमें सेंसेक्स मतलब देखा जाए तो कुछ भी पॉइंट देखिए, इसमें थोड़ा सा हम इसमें सेंसेक्स निफ्टी के ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ, जो इनका जंप देखने को मिला दोस्तों, जो इसमें सबसे मेन पॉइंट है, रेगुलेटरी के ऊपर इन्होंने जो फाइल करके बताया 960 करोड़ आने वाले समय सबसे ज़्यादा हाईएस्ट देखने को मिल रहा है, 141% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, इस स्टॉक में अभी हो सकता है कुछ दिनों तक लगातार अपर सर्किट लगते हुए दिख सकता है। ऐसा क्यों दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है कि इसमें कुछ नेगेटिव न्यूज़ चल रहे थे जिसके कारण अपर सर्किट हुआ, AGM कंडक्ट हुआ, तो भी देखा जाए तो एक प्रकार से नेगेटिव साबित हुआ। लेकिन दोस्तों, ये जो चीज़ देखने को मिल रही है, इसमें कंपनी का रेवेन्यू 141% के हिसाब से जो ग्रो हुआ है, और सबसे बड़ा मतलब एक इस कंपनी के लिए गेम चेंजिंग साबित हो सकता है। हालांकि इनके मैनेजमेंट CEO की बात करें तो उन्होंने भी आने वाले समय मतलब कि कुछ अच्छा कमेंट्री किया था, जिससे रिलेटेड भी हमने रिसेंट में वीडियो भी बनाया था। हालांकि तो आप देख सकते हैं कि 348 करोड़ मतलब 398 करोड़ के आसपास से पहले आया था। कंपनी करती क्या दोस्तों, देखिए कंपनी के बारे में हमको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, ये कंपनी EPC से रिलेटेड काम करती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 960 करोड़ का जो कि मतलब 31 मार्च 2024 तक का इनका डेटा देखने को मिलता है, ये कि जो कि रेगुलेटरी फाइलिंग करके बताया गया है, 141% का जो कि जंप देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये कंपनी 2012 में आती है मार्केट में, मतलब पास्ट ऑफ द जिनसेल ग्रुप की कंपनी देखने को मिल जाती है। कंपनी करती क्या दोस्तों, तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड ये कंपनी ऑफर प्रोवाइड करती है, प्रोसरमेंट जो कि EPC में ये कंपनी काम करती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इंजीनियरिंग प्रोसरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। सर्विस फॉर द डेवलपमेंट एंड सोलार पावर प्लांट से रिलेटेड दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि इस समय जो सबसे ज़्यादा मतलब कि मेन फोकस वाली बात है सोलार पावर प्लांट से रिलेटेड हो रही, जो कि इस कंपनी को आए दिन डेली बेसिस पे ऑर्डर भी मिल रहे हैं। ऐसा नहीं कंपनी को कोई भी पहली बार ऑर्डर मिल रहा। इसी न्यूज़ को भी अगर आप यहाँ पे देखें दोस्तों, तो यहाँ पे भी जो कि रेवेन्यू ग्रोथ बताई गई है जिसके कारण स्टॉक में 5% का सर्किट लग गया है। यहाँ पे भी देखेंगे तो इसी से रिलेटेड 960 करोड़ का जो कि 141% जंप देखने को मिला है। इसके पहले अगर मैं स्टॉक की बात करूँ तो स्टॉक जो है कि मतलब 141 पे खुलता है, इंटरडे हाई की बात करें 948 के आसपास, मतलब वही जो कि इनका हाई लो देखने को मिल जाएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि स्टॉक सीधा अपर सर्किट में देखने को मिला है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो 141% का जंप देखने को मिला है। और अगर देखेंगे दोस्तों, तो मतलब कि कुछ अगर मतलब मैं बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द राजेश भोसले इक्विटी टेक्नल रिसर्च जो कि डेरिवेटिव में एनालिस्ट का काम करते हैं एंजल रोल में दोस्तों, जो कि इन्होंने एंजल मतलब गेंसल इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो हिट्स 5% अपर सर्किट सीजन ओवरऑल लगभग काउंटर एज द
टेंडेंसी टू द मूव सर्किट जो कि देखने को मिलेगा, मतलब आप कह सकते हैं। हालांकि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उन्होंने जो बताया है कि मतलब जिस हिसाब से मतलब इसमें वैल्यूम क्रिएट हुए उसमें थोड़ा सा एक लो है और इस चीज़ों से आपको बचना भी चाहिए। ऐसे में उन्होंने इस चीज़ को मतलब अवॉइड बताया, तो हालांकि दोस्तों इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों शॉर्ट टाइम में कुछ चीज़ें हो जाती है, न्यूज आ जाती है मार्केट में, फिर उसके बाद स्टॉक में अपर सर्किट लग जाता है, तीन सब चीज़ों को आपको इग्नोर कर देना है। मेरे पॉइंट से देखिए दोस्तों कंपनी खराब नहीं है, लेकिन हाँ जिस टाइप से अपर सर्किट या लोअर सर्किट में कोई भी स्टॉक चलता है तो उसको थोड़ा सा आपको कुछ समय के लिए इग्नोर करके चलना होता है। अभी स्टॉक में प्रयोग करना क्या, जो भी रिटेलर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, देखिए दोस्तों ऐसा नहीं कि कंपनी 1500 रुपये नहीं, 2000 और 2500 रुपये के आसपास भी जा सकती है, इस कंपनी में पूरी काबिलियत है, ऐसा नहीं। लेकिन हाँ जिस टाइप से कंपनी अपर सर्किट में चलती है दोस्तों, ये थोड़ा सा अपने आप में आप कह सकते हैं मतलब निगेटिव होता है। वहीं पर अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉपर कंपनी ने मतलब कि ऐसा नहीं कोई एक अपर सर्किट, सेकेंड अपर सर्किट, यहाँ पे फिर लोअर सर्किट, मतलब देखा जाए तो अप्स एंड डाउन्स करती रहती है। यहाँ पे अगर मैं 1 महीने के चार्ट को देखेंगे तो कंपनी में गिरावट, यहाँ पे अगर मैं 6 महीने की बात करूँ तो लगभग 46% का रिटर्न है, और अगर मैं कंपनी की वही तेजी की और भी मतलब गिरावट से डिस्काउंट की बात करूँ लगभग 30% डिस्काउंट पे कंपनी अवेलेबल है। देखिए दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी रिटेलर इस स्टॉक को बाइंग करेगा गिरावट होगी तो हेल्दी लगभग 700 रुपये के आसपास भी कंपनी आएगी। वहीं पर अगर मैं तेजी की बात करूँ तो इस बार अगर ये कंपनी 1000 के लेवल को तोड़ती है तो फर्स्ट आप कह सकते हैं कि 1000 के ऊपर कुछ दिनों तक ट्रेड करती है तो आने वाले समय कंपनी 1500 के लेवल को भी टच कर सकती है। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।